नमस्कार, फिर से स्वागत कंचन टीवी पर। बहुत सारे ज्योतिषी आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, बहुत सारे ज्योतिषी हैं। कोई पंजाब से आया है, कोई हरियाणा से आया है, और कोई यूपी से आया, और कहां कहां से आया, कुछ पहाड़ी भी हैं, उन सभी से बात करते हैं। एक हमारे साथ ज्योतिषी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रवि भारद्वाज। भारद्वाज जी कहाँ से हैं? मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। पंजाब से? हाँ। गोल्डन टेम्पल से आप? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो क्या कहेंगे इस कार्यक्रम में आज पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, कार्यक्रम में आकर के बहुत कुछ सीखने को भी मिला और सिखाने को भी मिला, और बहुत ही मज़ा आया। और आज बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ने भी प्रैक्टिकल करके देखा, कुंडलियाँ लोगों की देखी, उनकी समस्या को हल किया। मतलब आज गर्व से सीना चौड़ा हो गया गुरु जी का? बिल्कुल 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 चौड़ा हो गया कि हमारे स्टूडेंट बहुत नाम कमा रहे हैं। चलिए, एक और भाई साहब है हमारे, लुधियाना से हैं भाई साहब, और भाई साहब आके हमें पूरे जोश में कहते हैं हमारा भी इंटरव्यू करना है। तो वो बात है कि पंजाब और हरियाणा का तो वैसे भी भाईचारा है, एक ही परिवार के हम हिस्से हैं, दो बड़ा भाई छोटा भाई है, इसी नाते बड़े भाई से बात करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी प्रवीण बसी है जी। प्रवीण बसी, कहाँ से? लुधियाना से। लुधियाना से प्रॉपर। ज्योतिष से जुड़े हैं कब से जुड़े हुए हैं? मुझे 15-16 साल हो गए लगभग। 15-16 साल से आपका संस्थान है क्या, दफ्तर है क्या, चलाते हैं? हाँ, दफ्तर है जी, मेरा दफ्तर है। दफ्तर है लुधियाना के? हाँ जी, हाँ जी। और किस तरह से लोगों का भला करते हैं ज्योतिष के माध्यम से, कि कौन सी विधा में आप काम करते हैं ज्योतिष के? देखो जी, मेरा काम है लोगों को सच बताना जी। कुंडली देखते हैं? हाँ, कुंडली देखते हैं। हाँ, मेरा काम है वो आम ज्योतिषियों की तरह नहीं है, भी लोगों से पैसे एंट लेने हैं, जब पूजा पाठ बता के ये कर लेना वो कर लेना। मैं लोगों को सच्ची बात बताता हूँ, भाई इतना टाइम आपका खराब है, इतना सही होगा, इसको पूजा पाठ कर लो या दान पुण्य कर लो, तब तक आपको ऐसे चलेगा। जहाँ कोई सीधी और कड़वी बात करते हैं, सीधी मंगल में मैं साथ में लाल किताब भी करता हूँ जी। जी, लाल किताब में मंगल जिस भी आदमी के दूसरे घर में हो ना, वो बात सीधी मुँह पे करता है, जैसे आपने अभी देखा। रविंद्र कुमार शास्त्री, मैं कैथल हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? हाँ जी। ये तो कैथल हमारे गवांडी है, क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम में पहुंचे, क्या इस तरह के कार्यक्रम में पहले भी आते रहते हैं? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही भव्य प्रोग्राम है। इससे पहले लुधियाना में भी मैं ऐसे कार्यक्रम में गया था, वहाँ पे ध्रुव तारा फाउंडेशन ने ऐसे कार्यक्रम किया था ज्योतिष का, और आज जो है ये नक्षत्र 27 की तरफ से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा जो है ज्योतिष का सेमिनार किया गया जी। और इसमें मेन बात ये है कि ज्योतिषियों को और ज़्यादा अधिक सीखने की जो है मिलता है, सीखने के लिए नए नए लोगों से मिलने को होता है, ज्ञानवान लोगों से ज्ञान सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिएगा, एक और सज्जन है और साथ में भाई साहब के साथ है, कि छोटे एक ज्योतिषी भी हमारे साथ पहुंचे भाई साहब के साथ। कैथल से हैं आप भी? कहां से हैं आप? मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से हैं आप? ज्योतिषी हैं आप? यस। अच्छा, क्या देखते हैं आप? हाथ देखते हैं, माथा देखते हैं? हाथ। हाथ देख लेते हैं? अरे खेलने की उम्र आपकी, अब भी हाथ देखते हैं आप? नहीं, मैं सीख रहा हूँ। सीख रहे हो? किस से सीखते हैं आप? गुरुजी से। कौन से गुरुजी? एक बार परिचय कराइए गुरुजी का, क्या क्या नाम है गुरुजी का? सोमवीर शास्त्री जी। सोमवीर शास्त्री जी, कहाँ से हैं शास्त्री जी? शास्त्री जी जीन से हैं। जीन से जी, शास्त्री जी, सोमवीर शास्त्री जीन से आप हैं जी सर। क्या कहेंगे, आपका शिष्य भी साथ आया है इस कार्यक्रम में, आप पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं अपने पास 5-7 बच्चे हैं जो मतलब कार्य सीख रहे हैं वेदों का, ज्ञान का। जी, और कोई संस्थान है आपका? हाँ जी, शिव ज्योतिष संस्थान केंद्र है बड़ा जी, और यहीं पंचकुला में कार्य कर रहे हैं। पंचकुला में? आप पंचकुला में जीन के रहने वाले हैं? पंचकुला में कार्य कर रहे हैं जी। पंचकुला कैसा लगा इस कार्यक्रम में आकर? बहुत सर, बहुत बढ़िया, और ज्योतिष के ज्ञान जितना भी काफी दूर तक देखा हमने भी, जैसे हम पंजाब में गए हैं, और हमें दिल्ली भी गया हूँ जी सर, मैं हिमाचल भी गया हूँ, बहुत अच्छा लगा कि नाम है ज्ञान को हमें यहाँ सीखने को मिला सर। हाँ जी, काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब आए हुए हैं ज्योतिष आचार्य सच, डॉक्टर राव जी आए हुए हैं काफ़ी, बहुत मतलब बहुत धर्म गुरु हैं वे भी, और उनका बहुत कार्य हमें मिला सीखने के लिए हमें बहुत भी अच्छा। जी बहुत सर, हम तो चाहे आप भी ऐसे कार्यक्रम मतलब करवाते रहे, जाते रहे, हमें बढ़ाते रहे। चलिए, उन्होंने अच्छी बात कही कि इस तरह के कार्यक्रम को अगर दिखाएंगे तो ज्योतिष को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। आपकी क्या राय है, क्या ज्योतिष को बढ़ावा मिलना चाहिए, या फिर आप आज भी इसको अंधविश्वास मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। रोहित कैमरामैन के साथ, यशपाल कंचन।